हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया हूँ एकदम, खुदा का शुक्र है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ख़ास। और ख़ास क्यों है? ख़ास इसलिए है क्योंकि भाई मेरा मतलब ये है कि कोई भी भाई मतलब किसी तरह से परेशान ना हो। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई मतलब कहीं ना कहीं उनको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प हो, ठीक है? तभी तो वीडियो बनाने का जो है मतलब अच्छा लगेगा कि वीडियो बनाई और किसी के काम में आई, ठीक है? और वीडियो भी बनाऊँ और काम में भी ना आए। तो भाई मेरे पास कल से समथिंग 40 से 50 लोगों के मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पर। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही रिप्लाई किया, जिस जितना हो सका उतना रिप्लाई किया, और जिससे बात हुई बात भी की फ़ोन पे, ठीक है? जितना भी टाइम मिला सारी चीज़ें की। और अभी कुछ लोग रह भी गए, उनसे भी बात करना रहे मतलब बाकी है भी। तो वीडियो ख़ास इसलिए है और बहुत ज़रूरी भी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है ख़ासकर जो स्पेशली सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत या इंडिया में जो लोग हैं और जो वहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो पहले तो जो लोग बिल्कुल खाली हैं, कोई काम धाम नहीं है, बिल्कुल खाली रहना है, तो वो लोग बिल्कुल साइड हो जाएं वीडियो से। उनके लिए वीडियो में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग कोई भी एक काम कर रहे हैं, मतलब ये कि वो जैसे मान लीजिए जो सऊदी दुबई में हैं वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और 40 से 45 हज़ार रुपये सेव कर रहे हैं सब कुछ करने के बाद, मतलब खर्चा पानी निकालने के बाद 40 हज़ार रुपये बचा रहे हैं और काम उनका सुकून वाला है, मतलब उनको काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहे हैं, ठीक है? और जो इंडिया में है, जो भाई कोई ठेकेदारी कर रहा है या कोई दूसरा काम कर रहा है या कोई किसी की शॉप है, ठीक है, या किसी की खेती है इतनी कि वो अपने सालाना जो है अच्छे पैसे कमा लेता है और सुकून से अपनी फैमिली में रह रहा है, तो भाई मेरा उन लोगों से सिर्फ यही कहना है कि भाई अगर तुम एक जगह पे सेटल हो और पैसे कमा रहे हो ठीक ठाक, मतलब ये कि आपका घर बार चल रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी लाइफ बहुत लग्जरी नहीं लेकिन मगर एक ठीक ठाक नॉर्मल लाइफ मैं जी सकता हूँ इसी चीज़ में, तो भाई उन लोगों के लिए है स्पेशली कि भाई वो लोग पोलैंड तो खास करके बिल्कुल ना आए, पोलैंड तो बिल्कुल ही ना आए। और स्पेशल एक चीज़ और कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम लोग देख रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे क्या है ना भाई, जो कल्चर है यहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा चेंज है। तुम सोचो कि तुम्हें जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद मिल जाए, तुम्हें फजर में अजानों की सुनाई मिल जाए, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं होती। तुम्हें मुस्लिम कल्चर के नाम पर तुम्हें एक कहीं पर यार बहुत नॉर्मल जर्रा बराबर कोई चीज़ नहीं मिलेगी देखने को। सब क्योंकि अंग्रेज़ हैं, इन लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं है, ना ये चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है, ना ही कोई यहाँ फेस्टिवल ऐसा होता है जो मुस्लिम से रिलेटेड हो, ठीक है, अलग तरह के फेस्टिवल हैं, कोई परमिशन नहीं है। और भाई फ्राइडे की यहाँ छुट्टी होती नहीं है, तो तुम भाई जुमे की नमाज़ पढ़ने या अदर नमाज़ पढ़ने जा ही नहीं सकते, ठीक है। संडे की छुट्टी रहती है, अब संडे की तुम नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाओ, जो आपकी लोकेशन से मेरा मानना है कहीं पर भी अगर आप मस्जिद सर्च करोगे यहाँ पूरे पोलैंड में, तो भाई पोलैंड का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और जो मस्जिदें होंगी मुझे लगता है पूरे पोलैंड में बहुत मस्जिदें अगर हुई तो 10 मस्जिदें होंगी, वो भी एक अगर वॉर्सा में है तो दूसरी मान लो कहीं काटोविस में है, तो तीसरी कोई गिदांस में है, मतलब जो डिस्टेंस है पर मस्जिद टू मस्जिद वो समथिंग मेरे अंदर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का है। अगर आप किसी एरिया में हो और वहाँ से अगर मान लो जो आप मस्जिद को सर्च करते तो मिनिमम उसका जो डिस्टेंस निकल के आएगा मेरे नज़र में 100 किलोमीटर समथिंग होगा ही होगा, ठीक है भाई। तो भाई अगर आप ड्यूटी करके आने के बाद, ठीक है, और भाई मोस्टली जो इंडिया से जो नए बंदे आते हैं वो प्रेफर होते हैं हार्ड वर्क पे, भाई हार्ड वर्क करने के बाद कोई भी बंदा भाई इतनी दूर ट्रेवल करके तो जा नहीं पाएगा, तो इसलिए भाई वो एडजस्ट करेगा। अगर वो इतना हिम्मत रखता है कि उसके बावजूद भी नमाज़ पढ़ ले, ठीक है भाई, तो वो अपने रूम पर ही चीज़ें कर लेगा। तो भाई एक भाई का मेरे पास मैसेज आया कुवैत से, तो वो भाई बंदा वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे वो 40 से 45 हज़ार के बीच में मतलब वो पैसे सेव कर रहा है खा पी के, ठीक है, और कुक है वो, ठीक है, खाना बनाता है। तो भाई मुझे और वो
पहले से वहाँ से 11 से 12 साल वहाँ पे वो रह रहा है कुवैत में, ठीक है भाई। तो वो यहाँ आने के लिए सोच रहा है, मगर उसने पहली कंडीशन ये रखी, भाई मुझे जुमे की नमाज़ मस्जिद में पढ़नी है, बताओ क्या होगा। तो भाई मैंने उसको मैसेज में वहाँ समझा दिया, और ये वीडियो उससे थोड़ा मैंने इंस्पायर होके, और कुछ मेरे दिमाग में भी था, क्योंकि कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही काम पे हैं, मतलब किसी की शॉप है, अच्छी शॉप चल रही है, 20-25 हज़ार रुपये घर में बैठ के अपनी मतलब घर वालों फैमिली के संग में खाना खा रहे हैं और कमा रहे हैं, सुकून से है। तो भाई मेरा मानना है, अगर आप इस लाइफ में हो कहीं ना कहीं, मतलब इस टाइप से आप हो कि आपकी कोई शॉप है, या आपका कोई कारोबार है, या आपका कोई बिजनेस है, या आप कोई जॉब कर रहे हो, तो भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई कि आप, मतलब मेरा मानना तो ये है कि भाई आप पोलैंड ना आएं, क्योंकि भाई देखो पोलैंड तो आप आ जाओगे, लेकिन जो आप ज़िंदगी जो 20-25 हज़ार रुपये में सुकून से जी रहे हो भाई ना, वो वहाँ या तुम 1.5 लाख रुपये कमाने के बाद भी नहीं जी पाओगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जो भी बंदा अपनी जो जॉब छोड़ कर आया है, कोई कुवैत से आया है, कोई दुबई से आया है, बहुत बंदे आ रहे हैं पोलैंड में इस टाइम, और जो भाई इंडिया से जॉब कर रहे थे, भाई वो सारे बंदे मेरे मुझसे टच हुए, और हर एक बंदे ने यही बोला, भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जो मैं यहाँ आ गया अपना कारोबार छोड़ के, मैं वहाँ पे सुकून में था, 20-25 हज़ार रुपये पर सुकून में था। तो भाई ऐसे जो बंदे हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं सारी चीज़ें, जहाँ पे हैं वहीं पे कर रहे हैं, तो भाई वो लोग ना आए, वो वहीं रहें, बढ़िया है उनके लिए। भाई क्या ज़रूरत पड़ी है यार, जब तुम 20 हज़ार में अपनी लाइफ गुजार रहे हो ना, तो भाई वहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं भाई। यहाँ तुम्हें मत पूछो यार, मतलब इतना मतलब वो नहीं है जो, हाँ भाई जो लोग मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली हैं फैमिली में, और लोग हैं घर देखने वाले, घर चलाने वाले, तो ऐसे लड़के जो हैं आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल 4 साल रहें आराम से, जो भी पैसे वैसे कमाए, बाकी उसके बाद अपने इंडिया वापस, या कोई भी किसी कंट्री से पाकिस्तान वापस या बांग्लादेश वापस, कोई दिक्कत नहीं है भाई ऐसे बंदों के लिए, वो सर्वाइव कर जाएंगे। मगर भाई अगर कोई बंदा ऑलरेडी पहले से कहीं काम कर रहा है और वो बंदा यहाँ आएगा, तो भाई वो बहुत ज़्यादा अब बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस करेगा। तो भाई ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, तो मतलब मेरा मतलब यार ये है कि वीडियो से लोगों को प्रॉफिट हो, तो बस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, कोई इंसान फंसे ना यहाँ पर आकर। क्योंकि मेरी कंपनी में अभी मुझे कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी बंदा था जो सऊदी में बैंक के अंदर था, और वहाँ पे वो जो है 50 हज़ार रुपये उसकी मंथाना मतलब सैलरी थी पर मंथ, और भाई वो बहुत खुश था, एसी में बैठ रहा था, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद भाई वो मेरे संग कैंटीन में मुझे मिला, जब मैंने पूछा कहाँ से हो, भाई बोले पाकिस्तान से हूँ, जब मेरी बात हुई तो वो रोने लगा यार, बोला मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कौन सा ऐसा बुरा काम किया था जो मैंने ये डिसीजन लिया और मैं यहाँ आ गया। भाई मैं तो अच्छे खासे कमा रहा था वहाँ पे, अगर बाहर लोग 50 वहाँ कमा रहा है, यहाँ 70 बचा रहा हूँ, तो भाई मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इतना ऐसा काम है मुझसे काम तक नहीं हो रहा, ठीक है भाई। तो यार ये चीज़ बड़ा देख कर बड़ा अफसोस हुआ, तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, और अगर भाई किसी की समझ में आ रही है तो ठीक है भाई, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दें, और अपनी राय भी दें कि भाई तुम्हारा क्या डिसीजन है इस बारे में, ठीक भाई। क्योंकि भाई सुनते सब हैं, लेकिन करता आदमी वही जो उसके दिमाग में चलता है, करता आदमी अपने मन की है, ठीक है भाई। तो कोई मेरे कहने से तो नहीं मान जाएगा, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने क्लियर करा दी। बाकी उम्मीद करता हूँ तो मैं जो भी चीज़ समझ में आई होगी उसके लिए भी मतलब जो भी आपको बेहतर लगे, लाइक मार दियो, कमेंट करो तो कमेंट, अगर कोई डाउट है कमेंट कर देना, बाकी सब्सक्राइब अब कर लो, क्योंकि अब टाइम आ गया है, सब्सक्राइब जब होंगे तभी कॉन्टेंट निकलेगा अच्छा बढ़िया बढ़िया, तो ये लालच दे रहा हूँ मैं आपको। खैर अभी वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और अगली वीडियो जो भी आने वाली है वो बहुत ही बेनिफिट होगा जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं और जो अदर कंट्रियों में, उन लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अबाउट टू अप्लाई, मतलब हम जो है इंडिया से कैसे अप्लाई करें किसी कंपनी में यहाँ किसी मतलब किसी काम के बारे में, ठीक है, ऑनलाइन के बारे में। तो वो ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में वीडियो आएगी, तो पहले तो मैं उसके बारे में सारी रिसर्च करूँगा गूगल से और सारी चीज़ें जानूँगा, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा, प्रोफेशनल वीडियो होगी, अच्छी वीडियो होगी, तो उसका वेट करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री में वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, पहले सब्सक्राइब कर लें भाई, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर गेन होंगे मेरे बढ़ेंगे आगे, उतने अच्छे कंटेंट होंगे इंशाल्लाह, और पूरी हेल्प होगी, कोई बेफालतू की चीज़ नहीं होगी, कोई बेफालतू का ड्रामा नहीं होगा कि हेलो कि सब्सक्राइब कि ये सब वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कंटेंट पे बात होगी जो भी चीज़ होगी। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ पाओगे, अल्लाह हाफिज़। और मैं हर वीडियो में जैसे कहता हूँ कि भाई जो भी भाई हैं मेरे मुस्लिम भाई और भी भाई जो भी हैं पंजाबी भाई स्पेशल, तो भाई फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें, ठीक है भाई, और रमज़ान चल रहे हैं मुसलमान भाइयों के लिए, हर नमाज में दुआ करें उनके लिए, उनके हक में दुआ करें भाई, जो बेहतर फ़ैसला हो, जो बेहतर चीज़ हो वो हमारे हक में हो, और जो सही है वही चीज़ हो। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।